राजस्थान के बारां छबड़ा के पूर्व विधायक करण सिंह राठौर ने आज अपने कार्यालय पर गुगोर कोटडापार के दर्जनों ग्रामीणों की परिवेदना सुनी, जिसमें ग्रामीणों ने अवगत करवाया कि उनकी खाते की जमीन पर वन विभाग द्वारा टेंट लगवा करके कास्त नहीं करने को अवगत कराया। पूर्व विधायक राठौर ने कहा कि भाजपा के विधायक द्वारा किन्हीं दो व्यक्तियों को टारगेट करने के उद्देश्य से गुगौर और कोटड़ा पार के किसानों की जमीनों पर टेंट लगा करके खेती नहीं करने दी जा रही है। राठौर ने कहा कि जिला वन अधिकारी गुप्ता, जो कि बारां जिले का सबसे भ्रष्ट अधिकारी है, जिसके द्वारा जमकर भ्रष्टाचार करके क्षेत्र के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अन्य जो लोग सैकड़ों बीघा वन विभाग की जमीन दबाए हुए हैं, उनसे मोटी रकम लेकर के कार्यवाही नहीं की जा रही है। आप जो आज किसानों के साथ आप आज मेरे पास कोटला पार गांव के शेरिया भील लोदा मीना धोबी मुस्लिम काफी लोग आए, उनकी किसानों की जमीन खाते की थी, पूरी पत्रावली लेके आए मेरे पास। खिलाफ हमारे पास जमीन रेवेन्यू हमारी नकल है और ये जमीन हमारी खाते की, पर हमारी जमीन खातों की होने के बाद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें टेंट लगा करके हम रोकता और हमें खेती नहीं करने दे रहे। सारे गरीब लोग हैं, एक महीने डेढ़ महीने से परेशान हैं, उनकी रेवेन्यू जमीन पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बदमाशी करके और उनको फसल नहीं बोने दे रहे। फसल बोने का टाइम है, मैंने समझा भाई फॉरेस्ट की जमीन में कब्जा कर रखा हो। जब मैंने उनका रिकॉर्ड देखा तो रिकॉर्ड तो रेवेन्यू रिकॉर्ड था। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड में तहसीलदार को देखा, तहसीलदार का था जमीन तो जी खाते की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे प्रताप सिंह सिंह जी द्वारा दो जगह टेंट लगवा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को के थ्रू कांग्रेस के गरीब लोगों को परेशान करने की साजिश है। और प्रताप सिंह सिंघवी जी की ये उद्देश्य रहा कि भाई ये कांग्रेस का आदमी मेरे पे आगे पड़े, गुगोर वाले और कोटापार वाले। जब मैंने सारी समस्या देखी आज, तो मैं इनको तहसील में ले गया सारे किसानों को। तहसीलदार जी से कहा मैंने, रेवेन्यू रिकॉर्ड का अगर है तो आप इसकी फरमाइश करा के इनको दो, और अगर फॉरेस्ट की है तो फॉरेस्ट को दो। अब इसमें ये है कि वो बिना फरमाइश करे जो उनको मालिकाना हाथी 80 साल से काम कर रहे हैं उसको आप फॉरेस्ट वाले कैसे रोक सकते हैं? और फॉरेस्ट वाले रोक सकते हैं तो पहले फॉरेस्ट वालों को नोटिस देते या पेमाइश करना चाहिए था, या फॉरेस्ट में अपनी वो झीली खोदना चाहिए था, मगर उन्होंने क्या ही नहीं राष्ट्रपति कार्यवाही में निर्णय कहने से कांग्रेस के लोगों को जो विचारधारा गरीब तबका है उसको प्रश्न देना कब्जा कर रखा है। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास काफ़ी है, पर वो सिंपली जैसे नज़दीक है। हम भी अगर ऐसी बात करते तो हम भी परेशान कर सकते उनको, पर हम नहीं चाहते किसी के पेट में दांत मारे। मगर गरीबों को परेशान किया जा रहा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जा रहे हैं 3 तारीख को, उनको भी शिकायत की जाएगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले और जगह पैसे लेकर के काम करते हैं। बारां का जिला प्रशासन फॉरेस्ट का मिला हुआ, मैंने भी इंटीग्रेशन में भी किया है। ये लोग पैसे लेकर के उनसे उगाई करके काफ़ी लोगों को खेती करवाते हैं, मगर जो गरीब तबका पैसा दे नहीं पाता है और हमारा आदमी विचार कांग्रेस का नाम आता है तो विशेष तौर पर कांग्रेस द्वारा जो ये जिनकी बूढ़े आदमी की पेंशन बन गई है वो नकली बनी है, फर्जी बनी है। अरे बूढ़ों को पेंशन गरीब को मुख्यमंत्री जी गहलोत जी दे रहे हैं, ये खुशी की बात है कि बुढ़ापा कट जाएगा उसको 40,000 हमने पेंशन बनाई थी मेरे टाइम पर, उसका तभी भी हम लगातार गरीबों की पेंशन मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि पेंशन गलत बन रही है, ये फर्जी है, नकली है, काटो इसकी जांच कराओ। इनके कहने से जांच होने में गरीब लोगों की पेंशनें कटने लगी गाँव में। अरे गरीब को भला करो या कटाओ, ये भाजपा की सोच है। इस लोग जिनकी जाँच कराना चाहिए प्रताप सिंह जी को, उनको CSR में जो भ्रष्टाचार हुआ है उनके हाथों से साइन हुए पैसे के, 10% लेकर के CSR का पैसा अपने चाहे सरपंचों को दिया गया। आपके नगर पालिका छबड़ा में करोड़ों रुपए चेयरमैन के द्वारा इनके द्वारा BJP के द्वारा भ्रष्टाचार कर दिया गया। उनकी जांच नहीं करा रहे, जाँच किसी करा रहे? राशन की जाँच नहीं करा रहे, राशन कार्ड की। गरीबों को राशन नहीं मिल रहे। अभी मेरे पास कड़ाई आटा की जिले की शिकायत आई कोई भागचंद बोला जी। अब वो गरीबों का क्यों नहीं बात, उनकी जान नहीं करा रहे, जान किसी करा रहे? वो गरीब पेंशन वालों की, गरीब किसानों की। ये सोच में बदलाव आना चाहिए, जमाना बदल गया है। हम नेता हैं मगर सेवा करने के लिए आए हैं।
किसी को परेशान करने की, न्याय यही मेरी याचिका। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।